हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं अभी आई हूँ अपने बागवानी में, जो कि मैंने कभी आप लोगों को दिखाया था कि बेंगलोर में हमारी बागवानी है। तो हम लोग बिहार की तरह यहाँ पे ना खेती करते हैं, करने वाले हैं। आज आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर हमने ना कुछ सीड लगाए थे, तो उसको वो जम आया है, निकल आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकल आया है। तो उसके बाद से बारिश हुई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, डेली बारिश हो ही रही है। तो बहुत घास वगैरह निकला है, तो ये इसको ना ठीक कर रहे हैं, इसको घास को छिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोग बताइएगा किस चीज़ का पौधा है, कोई पहचान सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऐसे छिल रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कैसे आता है इतना कुछ, कैसे छिल पा रहे हैं? देहात एरिया से, बिहार से हैं, ठीक है। तो गाँव में देखें, बचपन से ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आराम से ना थोड़ा कर ले रहे हैं, वैसे आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से इसको राउंड से पूरा वो कर दिए हैं। और ये इतना ज़्यादा बड़ा दिवस में सब लोग कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगा रहे थे, सोचा अपना ही में लगा दिया जाए। तो बढ़िया से ये कर ले रहे हैं। और इधर देखिए, इस साइड में ना यहाँ पर किए हैं, और इधर के साइड में यहाँ पर किए हैं। देखिए खेती हमारी, और ये एक पौधा जो है ये पहले से लगा हुआ है, तो ये बड़ा हो चुका है। और इसमें इसका सब्जी भी आ चुका है, ये देखिए नेनुआ। तो इस तरीके से एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नेनुआ। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी इधर जो साउथ इंडियन फ्लावर्स होते हैं, जो गजरा बनता है, तो गजरा के ये सारे पौधे हैं सारे। ये भी ये वाला जो वाइट वाइट होता है ना, गजरा बनता है वहीं। और हाँ, जो पर्यावरण दिवस था उस पर स्कूल में लेके जाना था, तो ये उसके लिए ना पॉट तैयार किया गया है। तो घर पे प्लांटेशन करना था, तो ये प्लांटेशन यहाँ पे कर दिया गया है, और ये लेके जाएगी स्कूल में। तो ये जो है ना, ये भी गजरे में जो ऑरेंज कलर के फ्लावर मिक्स होते हैं, उसी का पौधा है। बाकी इधर चलिए, आप लोगों को दिखाती हूँ और क्या क्या ये करने वाले हैं। तो अभी आप बताइए कि इधर क्या क्या करने वाले हैं। अभी जितने ज़्यादा पेड़ लगे हैं, सब घास ज़्यादा हैं, तो घास को क्लीन कर देने में 2 फीट के आसपास, जिसके वजह से फिर घास आएगा नहीं। देखिए पसीना तो, पसीना भी हो गया। शहर में लोग वर्कआउट करके पसीना लाते हैं, तो हम भी सोचे वर्कआउट करें, वर्कआउट करके जिम के बदले यहीं कर लेते हैं। ये सारा मैंने आप लोगों को दिखाया ना, कि ये ना जो गजरा बनता है उसका पौधा है, और चमेली का पौधा होता है। बाकी जो गजरा बनता है वो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर देखिए, मैंगो ट्री है ना इधर इस साइड में, तो इसी के छाँव के नीचे अभी बैठ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला करी पत्ता, तो इसका भी पौधा आया हुआ, छोटा छोटा बड़े पौधे हैं, उसके साथ में एक छोटा पौधा आ गया। तो बाकी चलिए, हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी सफाई वफाई थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ पौधे हम लोगों ने प्लांटेशन किए हैं वहाँ पे सफाई करेंगे।